That's right. From Australia. I've come from Manchester in the UK. Well, I'm from Newcastle, Australia. I'm from London in England. From a city called Galway in the west of Ireland. Apart from doing cheerleading, I'm a professional. Cheerleader के अलावा पेशे से contemporary dancer हूँ और मैंने 6 महीने मेक्सिको में बतौर contemporary dancer थिएटर में काम किया है. 6 months in Mexico. It's really athletic. चीयरलीडिंग कोई मजाक नहीं है बल्कि मेरी नज़र में एक स्पोर्ट्स है. मुझे याद है एक बार मैंने चीयरलीडिंग के दौरान अपनी पसलियां तोड़वा ली थी. विदेशों में सिर्फ डांस नहीं बल्कि आपको फॉर्मेशंस भी बनाने होते हैं. ये एक स्पोर्ट्स है. It's a real sport. It is a sport. So we're athletes just as much. लोग इस बात को समझते नहीं. उन्हें लगता है कि हम सुंदर लड़कियाँ मुस्कुराती हैं और हाथ में पॉम पॉम लेकर खड़ी हो जाती हैं, जो कि चीयरलीडिंग का हिस्सा तो है, लेकिन जिस तरह की ट्रेनिंग एक क्रिकेटर लेता है हम भी उतनी ही ट्रेनिंग लेते हैं. Just be aware that sometimes I... एक नसीहत मैं जरूर देना चाहूंगी कि जब हम डांस करते हैं स्टेज पर तो हमें एक मांस का टुकड़ा समझकर ना देखा जाए. चीयरलीडिंग हमारा पेशा है, हम लड़कियां हैं, कोई भोग विलास का सामान नहीं. That's our job. That's not, we're not doing it for you, we're doing it for us. As a dancer in... मैं 8 साल से डांस इंडस्ट्री में हूँ. बतौर चीयर लीडर आप जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पैसे उतने नहीं मिलते, लेकिन मेरी नज़र में डांस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है. I love Indian food. I used to eat it all the time as well when I was back home in Ireland. Samosas are... Love a samosa. The only thing I can say in Hindi is Shukriya. Thank you.